अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने जो पेपरों की तैयारी वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो है जी, ये वीडियो आपकी जो जीमेल पे आपका ऑनलाइन जो डेमो है ना मॉक टेस्ट, उस पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। प्लीज़ आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है और पूरी देखनी है। इसमें मैं आपको सब बातों का जवाब भी दूंगा और आपको ऑनलाइन जो है वो अटैम्प्ट करके भी दिखाऊंगा कि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो ये देखिए, अगर आपको जो जीमेल आई है उसके मुकम्मल डिटेल ये देखिए 17 मिनट की, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बता दिया। आप मोबाइल पे पेपर दे सकते हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं, वो सारा कुछ मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें जी, आपको एक ईमेल आई होगी जिस जो ईमेल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पर दी होगी, ठीक है। जब आपने फॉर्म फिल किया तो आपने मेल वहाँ पर पुट की होगी, तो वो मेल पर आपको एक ईमेल आई होगी जो कि आपकी जीमेल जो है, ये देखिए ये स्पैम एक फोल्डर होता है जी, जहाँ पर आपकी जो मेल आती है, ठीक है। तो ये स्पैम के अंदर आपको वो मेल आई होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो आपको मेल जो है ना, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी, ये ना उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे आपका डियर नेम भी लिखा होगा, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिया होगा। और ये बात आपने ना एक नोट कर ले लिया, ये आपका जस्ट डेमो है, ठीक है। कोई बच्चा दे या ना दे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपका ये यूज़र नेम जो है वो कोई डर है, ना पासवर्ड, ठीक है। वो आपको मेल जो है वो पेपर वाले दिन आएगी, ठीक है। जो जिसका इशू होगा सारा कुछ, वो अपने पासवर्ड चेंज करना होगा, वो पेपर वाले दिन आएगी, ठीक है। तो ये जस्ट आपको उन्होंने दिया तो ऑनलाइन आप डेमो कैसे, आप पेपर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये मैंने जो जितनी भी डिटेल्स है ना आपकी, ये जो सारी आपकी डिटेल है, ये जनरल सिस्टम एग्ज़ाम रिलेटेड सारा कुछ, ये आपको मैंने जी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो लोगों नज़र आ रहा है आपको कि BA BSc ये कोने वाला जो है, ठीक है, ये देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेल आपको आई हुई है, ठीक है। तो चलें जी अब चलते हैं आपकी मेल पे। आपकी मेल पे ये देखें, ये आपकी मेल आई हुई है जी, ठीक है। तो आपने उन्होंने लिखा हुआ है योर डेमो एग्ज़ाम इज़ ओपन फ्रॉम 9 टिल 28 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। अगर आप नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, इस चीज़ का आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल भी इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लिंक दिया हुआ है, कई बच्चे कहने का हमारा ब्लू कलर नहीं शो हो रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको कॉपी करें, ठीक है, Ctrl+C या उस पर कॉपी करके आप नेक्स्ट टैब पे चले जाएं। यहाँ पे आप अपडेट करें जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जी पेस्ट कर दें आप, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जी मैंने ये देखें आपके सामने जो है वो चीज़ शो हो जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है जी डाउनलोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो आपकी एक जो है फाइल डाउनलोड होगी जो कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र की एक्सटेंशन होगी। ये देखें, ये हो गई जी ओपन, ये आप नज़र आ गई, ये अब चली गई है जी आपके डाउनलोड्स में। आप वहाँ पे क्लिक करें, ये देखें ये डाउनलोड्स होता है कंप्यूटर का। आपने यहाँ पर जी, ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये मैं बिज़ी था तो बस मुझे जल्दी जल्दी से, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मुझे ये देखने को मिले हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। मैं कहीं पे अपने गांव पे आया हुआ हूँ तो जिस वजह से मुझे मसला आ रहा है वीडियोस बनाने में, ठीक है। आज मैं सुबह अपने गांव में आया था, ठीक है। तो चलें जी, ये आपकी एक्सटेंशन पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने इस पर जी क्लिक करना है जी डबल क्लिक, ये ले जी, ये हो गया डबल क्लिक, ये आपके जी ओपन हो गई चीज़ें जी। ये देखें आपके पास, ये देखें आपके ये शो होगा आपके पास, ये राइट साइड पे नीचे देखें आपके टाइम साथ चल रहा है, आपकी बैटरी, आपका सिग्नल, जो आपका इंटरनेट साथ कनेक्ट है, वो सब कुछ आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको चीज़ शो हो रही है ना, ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको मेल के अंदर आया हुआ है, ये जस्ट टेस्ट के लिए जो आपने डेमो देना है। अगर देना है दे ले, नहीं देना ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो यहाँ पर जी आपने यूज़र नेम देना जो आपको वो मेल के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो मैं यूज़र नेम देता हूँ यहाँ पर जी, तो ये ने जी ये यूज़र नेम दिया यहाँ पे, और मैंने अब पासवर्ड देना है जी, मैं पासवर्ड देता हूँ, ये मैंने जी पासवर्ड दे दिया। अब मैंने जी लॉगिन पे क्लिक करना है मैंने, ये देखें
ये आ गया आपके पास, ये चीज़ शो हो रही है जी, बीए बीएससी डेमो पेपर ऊपर लिखा हुआ। आपने जस्ट ये ना एक ही बार अटैम्प्ट कर सकती है इस क्विज को, ठीक है। ये 21 जुलाई का ओपन है, 21 जुलाई से ये मेल वगैरह आपको आ रही होगी, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ जी अटैम्प्ट क्विज नो, ठीक है। 30 मिनट का ये क्विज है आपकी प्रैक्टिस के लिए जस्ट, और इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप देना चाहे दे, ना दे, कोई इशू नहीं है आपने, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो अब चले जाएं जी, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ अटैम्प्ट क्विज नो, ठीक है। ये आपका क्विज है, आपने परेशान नहीं होना, बस आपने ऐसे जो है वो इंटरनेट आपका ऐसा होना चाहिए सारे। ये देखें आपको बोला जी यहाँ पे क्लिक करें, आई हैव रीड, हमने पढ़ लिया सारी इंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं आपका नेट अच्छा हो, आप जो है वो बंद ना हो, किसी वजह से आपका ये ब्राउजर बंद होगा, आपका पेपर वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो सबमिट नहीं होगा। ये नीचे लिखा हुआ जी स्टार्ट अटैम्प्ट, तो मैं स्टार्ट अटैम्प्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके सामने एक शो हो रहा है जी, ये आपके ऐसे एमसीक्यू शो हो रहे हैं। ये साइड पे आपके जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जी, नॉट येट आंसर, अभी तक आंसर नहीं किया, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू है। तो ये जो आपके साथ शो हो रही है जी 50 एमसीक्यू हैं इसके अंदर, 1 मार्क्स का 1 है, तो 50 मार्क्स का ये पेपर है। ये नीचे देखें टाइम लेफ्ट आ रहा है जी 29 मिनट और 35 सेकेंड, मतलब कि ये 30 मिनट का, तो अब टाइम साथ साथ चलता जा रहा है और लेस हो रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है। हाफिज शेराजी कहाँ पैदा हुए, तो जो आपको ऑप्शन लगता है आपने उस पर टिक कर दें। ये देखें मुझे जी, मैं कहता हूँ जी मुझे ये ऑप्शन नंबर डी ठीक लग रहा है, मैंने इस पर कर दिया, ये क्लियर माई चॉइस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका ना जो आपने टिक किया वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोबारा किसी और पर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके सोचने के लिए। तो आपने जी चले जी मैं बी पे लगाता हूँ, ये लिखा है जी नेक्स्ट पेज, मैंने जब इस पर क्लिक करना है ना नेक्स्ट पेज पे, ये अब मुझे दूसरे एमसीक्यूज पे ले जाएगा। ये देखिए कोने पे आपको शो हो रहा है जी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का, सारे 1 मार्क्स के हैं। और ये जो आपके पास ये जो बॉक्स शो हो रहे हैं, ये लिखा जी 1 देखिए हाफ फिल हो गया, मतलब ये फिल हो गया, अब आप वापस नहीं जा सकते। अब आप एमसीक्यूज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, अब आप वापस एमसीक्यूज नंबर 1 पे नहीं जा सकते। चले जी मैं आपको जल्दी जल्दी जो वो करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपने सारे एमसीक्यूज के आंसर्स आपने करने हैं। चले जी मैं करता हूँ जी, ये ले जी मैं इसको कर देता हूँ। ये देखिए मैं नहीं इस चीज़ को पढ़ रहा, बस मैं तुक्के लगा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये वीडियो हम बना लें, ठीक है। आपने ऐसे जो है वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना हमने पासवर्ड चेंज करना है, ना हमने कोई यूज़र नेम चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। जो आपकी पासवर्ड वाली जो असल मेल है वो आपको पेपर वाले दिन मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर जो पासवर्ड का आपको लिंक दिया होगा तब आपने वो लिंक चेंज करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा पेपर के दौरान, एक दिन पहले जब मेल आ जाएगी वो मैं आपको करके दिखा दूंगा लाइव, ठीक है। ये आपने ऐसे सोल्व करते जाना है और नेक्स्ट पेज पे करते जाना है। ये साथ भी देखिए टाइम अब 27 मिनट और 47 सेकेंड रह गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम 13 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। चलिए जी मैं जल्दी जल्दी से पहुँचता कि हम वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा वीडियो ना बड़ी बने, क्योंकि बच्चे अक्सर वीडियो देखते नहीं हैं और फिर वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहते हैं, देखें इतना टाइम दिया, देखें मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये इसमें मेरा तो कोई मकसद नहीं। तो ये देखें जी ये मैंने कर लिया जी, चले जी ये मैं ऐसे एमसीक्यूज आपने कर करके जी चले जाना है। आपके पास वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेरे इंटरनेट की स्पीड नज़र आ रही है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ये देखें अभी मैं टिक करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, तो उसी वक्त फ़ौरन अगले पेज पर ले जाता है, ये इंटरनेट की स्पीड है, ठीक है। तो ये जो आपने गूगल मीट ओपन करना वो आपका 45 मिनट पहले पेपर के पहले ओपन होगा, और वो आपका क्लोज नहीं होगा जब आप सेफ एग्जाम ब्राउजर करोगे ना ओपन, वो आपका क्लोज नहीं होगा, आपका कैमरा जो है वो चल रहा होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आपने नकल वगैरह का नहीं सोचना। ये देखें चले जी अब हम जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं जी, ये देखें मैंने हाफ पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, 25 क्वेश्चन जो है वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। जल्दी जल्दी से हम ये 50 एमसीक्यू सोल्व करते हैं ताकि एंड में पता चले कि हमने क्या करना है, क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। जब तक आप जो है वो ये देखें आप खाली, ये देखें मैंने लगा दिया जी सी लगा दिया, मैंने ए लगा दिया, ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता इनके आंसर क्या है, ठीक है। अगर मैं रीड करूँगा फिर तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, और आपको पता है 1 घंटे वाली वीडियो जो बोरियत वाली होती है तो वो इतना ज़्यादा नहीं ठीक, ठीक है।
तो ये साथ साथ देख लें हमें टाइम, जब अब 26 मिनट रह गए हैं और 13 सेकंड रह गए हैं, हम क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ लग रही होगी आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। इंशाल्लाह अभी तक ये वीडियो किसी ने भी नहीं ऐसे बनाई जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपने दोस्तों को इस चैनल पर लेके आए, सक्सेसफुल ग्रेजुएट चैनल जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट्स मिले और आपकी जो है वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी हम तैयार कर रहे हैं, अब एमसीक्यूज़ की बारी है, हम एमसीक्यूज़ अपलोड किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अब तकरीबन जो है वो हर चीज़ पे वीडियो बना दी है आपने, गूगल मीट और ये सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र कैसे ओपन करना है ये सारा कुछ आपको पता चल गया ना, जो आपकी मेल पर एक लिखा हुआ था कि फाइल डाउनलोड करनी है उस पर डबल क्लिक करना है, मैंने वैसे ही किया था। ये पहले मैंने सबसे पहले जब वो सेफ एग्जाम ब्राउजर की डाउनलोड की थी वो आपके सामने मैंने की थी, उस पर डबल क्लिक किया तो वो डायरेक्ट सेफ एग्जाम ब्राउजर पे लेके आ गई थी। ठीक है, ये देखें जी अब 25 मिनट रह गए हैं। ठीक है, और मैं जी 47 क्वेश्चन पे पहुंच गया हूँ, ये तो मैं जल्दी से तुक्के लगा लगा के पहुँचाऊंगा, आप लोगों ने सोच सोच के करना है। ठीक है, ये बात आपने मेरी नोट करनी है लाजमी, यानी कि आप भी मेरे इतना तुक्के लगा के जल्दी जल्दी जा वो करें। ये देखें जी, ये ले जी, ये है जी अब लास्ट क्वेश्चन 50, एक एक मार्क्स के एमसीक्यूज आपको दिया गया, 24 मिनट रह गए हमारे पास। ये देखें जी एक मसला, ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो मैंने मिस कर दिया, इस पर टिक नहीं लगाया, अब मैं वापस नहीं जा सकता 47 पे, अगर वो मिस हो गया तो मिस हो गया। ये देखें क्वेश्चन 4 भी मैंने मिस किया था ताकि आपको दिखा सकूँ, ये मिस हो गया, अब मैं 4 पे भी नहीं जा सकता। अब मैं क्वेश्चन नंबर 50 पे हूँ तो अब मैं 49 पे भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये अब आपको चीज़ की समझ लग गई होगी, तो आपने सोच समझ के आराम से तसल्ली से आगे बढ़ना है ताकि अगर कोई सवाल मिस ना हो जाए, अगर मिस हो गया तो वो आपका आंसर जब वो नहीं कंसीडर होगा और आपका वो 0 मार्क्स लगेगा। ठीक है, और देख लें इस दौरान मेरी कोई लाइट नहीं गई, मेरा कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं आई, जिसकी वजह से मेरा जो है ये सेफ, अगर मैं इंटरनेट अभी बंद कर दूँ तो मेरा ये सेफ एग्जाम ब्राउजर उसी वक्त बंद हो जाएगा और मेरा पेपर जब वो यहीं पर कैंसिल, मतलब कि आपका पेपर, आपने पेपर दिया ही नहीं है लेकिन आप हाजिर हुए थे लेकिन आपने पेपर सबमिट नहीं करवाया, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो फेल कंसीडर किया जाएगा। चलिए जी अब लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये 50 था, ये देखिए फिनिश अटैम्प्ट, अब 50 हमने कर लिए मुकम्मल। चलें जी अब आ गया जी नीचे आएगा आपके, ये ऐसे ही आपका सेम ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने ऑनलाइन पेपर देना है। ठीक है, फिनिश अटैम्प्ट पे चले जी, मैं ये करता हूँ जी फिनिश अटैम्प्ट। चले जी ये देखें, ये अब आपको एंड पे एक समरी दिखाएगा, अभी आपका पेपर मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ये नहीं है कि फिनिश अटैम्प्ट पे करके आपने तो पेपर वहीं पे छोड़ देना, नहीं, अभी आपका पेपर मुकम्मल नहीं हुआ। ये देखें जी बी ए बी एस सी डेमो पेपर समरी ऑफ अटैम्प्ट। ठीक है जी, चले जी ये देखें नीचे लिखा हुआ जी स्टेटस, स्टेटस 1 2 3, ये देखें मैंने 4 का आंसर नहीं दिया, उन्होंने बोला जी नॉट येट आंसर, अब मैं इसका आंसर कभी भी नहीं कर सकता, जब मैंने आगे बढ़ जाना है फिर मैं पीछे की तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखें जी सारे, अब ये समरी है। ठीक है जी, अगर ये 50 देख लें, एमसीक्यूज मैंने मुकम्मल कर लिए हैं, 2 मिस कर दिए थे मैंने जानबूझ के मिस किए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मिस हो गए तो मतलब कि आपका पेपर जो वो एमसीक्यू जो वो गलत हो गया। अगर ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है रिटर्न टू अटैम्प्ट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जस्ट जो है ना एमसीक्यूज नंबर 50 पे लेके जाएगा, सिर्फ 50 एमसीक्यूज पे, 49 पे नहीं, 49 से पीछे 1 तक किसी भी एमसीक्यूज पे नहीं लेके जाएगा, जस्ट 50 वाले पे। ये 50 वाले का बस आप चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट किया, ये ले जी अब आ जाओ जी नीचे। ठीक है, जब आपने ये देखी दिस अटेम्प्ट मस्ट बी सबमिटेड बाई फ्राइडे 24 जुलाई 1:54, ये मेरा पेपर जो है वो 1:54 पे ये पेपर ख़त्म होना है मेरे टाइम के मुताबिक, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी मैं मुकम्मल कर लिया है। ये देखिए टाइम अभी मेरे 22 मिनट रहते हैं और यहाँ पे देखें जी मेरा टाइम हुआ जी 1:32, जबकि मेरा पेपर 1:54 पे ख़त्म होना है, तो मैंने जल्दी जल्दी में सोल्व कर दिया था जिसकी वजह से मेरा पेपर अब मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जी सबमिट आल एंड फिनिश, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको ये देखें जी वंस यू सबमिट, फिर वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा है कि अगर आपने ये सबमिट करवा दिया अभी टेस्ट हो जाए तो यू विल नो लॉन्गर एबल टू चेंज योर आंसर, आपने जो लास्ट पे वो अटेम्प्ट है उनके आंसर आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए जी मैं कर देता हूँ सबमिट आल एंड फिनिश, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ले जी ये आपका हो गया जी टेस्ट मुकम्मिल।
ठीक है। आप देखिए एक ही बार अटेम्प्ट होता है ये वाला, ठीक है, नो मोर अटेम्प्ट अलाउड। और ये जस्ट आपने जो डेमो है ये और कुछ भी नहीं है, और उन्होंने मुझे लास्ट पे कोई मार्क्स नहीं शो किए, ठीक है। अक्सर यूट्यूब पे बोल रहे थे काफ़ी चैनल वाले कि आंसर वो आपका रिजल्ट साथ ही शो कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो साथ ही शो करें, मे बी दो दिन बाद, वो एक वीक बाद या दो वीक बाद आपको इकट्ठा ही रिजल्ट सारी बुक्स का दें, तो ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी। तो ये था जी आपका डेमो पेपर। डेमो पेपर वही होता है कि जो आप ना एक असली चीज़ से पहले एक नकल चीज़ करते हैं, सेम वैसे आपने असल पेपर, ऐसे ही आपका पेपर ओरिजिनल जो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने देना है ना ऑनलाइन, ये सेम पेपर आपका ऐसे ही होना है। आपने मेरे इंटरनेट की स्पीड देख ली है, कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, मेरा सेफ एग्जाम ब्राउजर बिल्कुल ठीक चला है, मैंने जैसे ही MCQs पे क्लिक किया वो नेक्स्ट पे चला गया था। तो अब आपने जी इस सेफ एग्जाम ब्राउजर को क्लोज कर देना है। क्लोज ऐसे करना है जी, ये जो राइट साइड पे ये आपको जी बटन नज़र आ रहा है छोटा ये वाला, ये जो यहाँ पे टर्मिनेट सेशन, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, डू यू वांट टू क्विट सेब, यस जी। अगर क्या आप इसको बंद करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी यस, क्योंकि आपको फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चले जी अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी ये क्लोज नहीं करना चाहता। अक्सर बच्चों ने जी सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल किया था तो वो कह रहे थे सर कि हमारा जो है ना ब्राउजर जो है वो कन्फिगर्ड नहीं है। वो जो आपने कन्फिगर्ड वाला इशू है ना, वो आपका कन्फिगर्ड ऑटोमेटिकली हो जाना है जब आपको एग्जामिनर ने पेपर वाले दिन वो लिंक सेंड करना है। जैसे मैंने पहले पे ये लिंक मुझे मिला था, ये आपको डेमो में जैसे मिला हुआ है, वो आपने डाउनलोड करना है और जब उस पर क्लिक करना है ना, वो ऑटोमेटिकली सेफ एग्जाम ब्राउजर पर आ जाना है और आपको सेफ एग्जाम ब्राउजर में सारा कुछ ऐसे ही शो हो जाना है। वो कन्फिगर्ड जो इशू है ना, वो आपका लिखा हुआ है आपका कन्फिगर्ड नहीं है सेफ एग्जाम ब्राउजर, वो कोई मसला नहीं है। जब आपको ये फाइल मिलनी है आपने वैसे ही कर देना है, उस पर डबल क्लिक करना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आएगा, फिर आपका ऐसे ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा जैसे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ये आपका तरीका था जी पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है। इससे आपको अगर कहे ना कि 19-20 का भी फर्क है, वो भी फर्क नहीं होगा, सेम ऐसे आपका पेपर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन। चले जी मैं सेफ एग्जाम ब्राउजर आप क्लोज करता हूँ, यहाँ पे चले जाना है टर्मिनेट सेशन, मैं कहता हूँ जी यस। ये ले जी, ये होती है फाइल जो आपको मेल में आती है, ऐसे ही आपको फाइनल वो जो पेपर वाले दिन आपको आएगी, जब आपको पेपर वाले दिन ईमेल आएगी ना, वो आपकी ईमेल असल है। ये तो अभी आपकी वैसे ही है ना, ये जो डेमो है इसका कोई मकसद नहीं है। जो आपको मेल जो आएगी ना असल आपकी, जो आपको पेपर वाले दिन कुछ दिन टाइम पहले आपको ईमेल आएगी ना एग्जामिनर की तरफ से, वो आपने पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। आपको समय लग गई है, ये पासवर्ड नहीं चेंज करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपका, ये जस्ट आपका डेमो है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि डेमो क्या होता है? अगर डेमो तो आप लोग अच्छे बड़े सियाने बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डेमो का मतलब क्या होता है, ठीक है। जस्ट ये ऐसे ही है कि अगर आप बाजार से कुछ चीज़ लेने जाते हैं, कोई फ्रूट वगैरह, तो वो आपको चेक करवाता है जी, एक चीज़ चेक कर लें फिर आप देख लें, मतलब कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप खरीद लीजिएगा, आप अच्छी नहीं लगती तो आप ना खरीदिएगा। ऐसे ये डेमो है, अगर आपको पेपर, अगर आप ऐसे पेपर्स दे सकते हैं कि ऐसे आपकी जो है ना वो सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप ऐसे पेपर को अटेम्प्ट कर लें इंशाल्लाह। ऑनलाइन पेपर बहुत आसान होगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये जस्ट आपको लिए बताया गया कि अगर आपने ये पेपर अटेम्प्ट करने में आपको आसानी है तो ऐसे ही आपका पेपर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का होगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक किसी ने भी ये वीडियो अपलोड नहीं की यूट्यूब पर, हर जगह पे जहाँ पे मर्जी आप देख लें, आपको ये पूरा तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले और सबसे फास्ट में आपके लिए खबरें लेके हाजिर हो रहा हूँ, ये आपके सामने देख लें। ऐसी चीज़ें अभी तक किसी ने भी नहीं बताई जो मैंने आपको बता दी हैं। ये तकरीबन मैंने 10-15 वीडियोस बनाई हैं। ये आपने जी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र और गूगल मीट इंस्टॉल करना है, आपने ये वीडियो देखनी है। अगर आपके कमेंट्स हैं, अगर आपके आंसर्स क्वेश्चन है, वो भी मैंने दो वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें हमने मसलों का हल बताया था। अगर आप पेपर छोड़ना चाहते हैं, ट्रेडिशनल देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये वीडियो देख लें, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैंने हर चीज़ एक एक चीज़ मैंने बता दी है, आपको ऑनलाइन पेपर देने चाहिए या ट्रेडिशनल, तो ये वीडियो देख लें आप, आपको सारा कुछ समझ लग जाएगी। ईमेल का पासवर्ड आपने कैसे तब्दील करना है, वो जो है वो पेपर वाले दिन चेंज होगा, ठीक है, जो आपको न्यू मेल आएगी इस पर नहीं चेंज होगा। तो ये ईमेल की जो मुकम्मल वजाहत थी ना, ये जो आपको पॉइंट्स बताए गए थे ये छोटे छोटे, ये मैंने सारे इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये जो वीडियो आपको कोने पे राइट साइड पे ऊपर नज़र आ रही है ना, आप मैंने इस पर आपको सारा कुछ वो बताया हुआ है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ रहिएगा MCQs तैयारी करने के लिए, ऑनलाइन पेपर देने के लिए और ट्रेडिशनल पेपर भी देने के लिए, अगर आपने हमारे साथ रहना ताकि हम आपको तैयारी करवा सके, ठीक है।
तो मैं आपके लिए ये स्पेशल वीडियो अब गांव में बैठ के बना रहा हूँ मोबाइल पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मसला आ रहा था, तो इसलिए सेटिंग वगैरह में। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। ये वीडियो जो है वो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा प्यार ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आप सब बच्चों के लिए बहुत सारा प्यार, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।